हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विक्रम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक दवाई के बारे में बताऊंगा जो कि फीवर के लिए यूज़ होती है होम्योपैथिक में। तो लेट्स चालू करते हैं। क्या है वो दवाई, क्या है उसके कंटेंट और क्या यूज़ है, फिर चालू करते हैं। तो ये दवाई आप जो देख पा रहे हैं, ये फेरोसिन हैबडेको की है। फेरोसिन नाम की दवा है, ये सिरप है। ये फीवर के लिए यूज़ होती है। मोस्टली बच्चों में बहुत अच्छा यूज़ होती है, जिनको फीवर, कोल्ड, कुरायजा, कफ, ये चारों चीज़ में यूज़ होती है। एक्चुअली में क्या है कि आजकल जो एलोपैथिक दवाइयाँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स, उसको ना लेके अगर आप शुरुआत में ये फेरोसिन लेंगे तो आपको एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल, न्यूमोसाइट, डाइक्लोफेनिक, ये सब के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और इसके इफेक्ट शुरुआत में बहुत अच्छे हैं। आप घर में इसको रखिए फेरोसिन को, और जैसे ही आपका बच्चा या आप खुद फीवर, एक्यूट वायरल होता है आपको, तो इसको आप लीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं पर डे इसको कम से कम 10 से 20 पेशेंट्स को सिर्फ फेरोसिन देता हूँ, एक्यूट फीवर, कोल्ड, कोराइजा, कफ में। तो ये आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। और इससे आप पैरासीटामोल, न्यूमोसाइड, डाइक्लोफेनिक, एंटीबायोटिक्स, इन सब के साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके कंटेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके कंटेंट्स है ब्रायनिया एल्बा, रक्स स्टॉक्स, जेलसीमियम, बेलाडोना, यूपोटोरियम पर्फ, फेरम फॉस, एलियम सीपा और जस्टिशिया। तो मोस्टली इसके कंटेंट्स जो है वो फीवर, कोल्ड, कफ, कोराइजा के लिए ही हैं। और ये एक्यूट मेडिसिन है, मतलब आपको तुरंत ही लेना पड़ेगा। जैसे ही फीवर हो इसको आप लीजिए, एक एक ढक्कन आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के पहले दिन में 3 से 4 बार। अगर ज़्यादा एक्यूट फीवर है तो आधे आधे घंटे में एक एक ढक्कन लेंगे। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके, और तुरंत ही इफेक्ट करेगी ये मेडिसिन। फीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मैं आपको ये मेडिसिन के बारे में बताया, और ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, और इसको आप लीजिए। इससे आप पैरासीटामोल से बच जाएंगे। और ये सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, मेरे भी शॉप में अवेलेबल है। मेरे शॉप का नाम है साईं होम्योपैथिक क्लिनिक, बिरसिंहपुर पाली में। धन्यवाद।